असलकम टुडेज़ लेक्चर नंबर थर्टी सिक्स और सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पिछली दफ़ा हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कशन शुरू की थी और हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी थी इस दफ़ा हम देखना चाहते हैं कि इन स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है आई मैंशन लास्ट टाइम दैट यू नीड टू इंक्लूड समाइल्स इन योर प्रोग्राम जब भी हम सी एन सी आउट वग़ैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं आई ओ स्ट्रीम डॉट एच को जहाँ पर भी हम फाइल मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो एफ़ स्ट्रीम डॉट एच आ जाता है आज के लेक्चर के लिए आई ओ मैनप डॉट एच विच इज़ द आई इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटिंग के लिए हेडर फाइल उसको इंक्लूड करना है हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर सो वेन एवर यू नीड टू यूज़ मैनिपुलेटर्स कोई लाजमी नहीं है कि आप मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करें बल्कि आज तक हमने नहीं किए थे लेकिन इफ़ यू नीड टू यूज़ दैम यू हैव टू इंक्लूड आई ओ मैन डॉट एच इन योर प्रोग्राम्स फॉर द मोमेंट लेटर टॉक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट वॉज यू पार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर वो है मैंने बात की थी कि आप एक स्ट्रीम की स्टेट को आप चेक कर सकते हैं इन यू कैन डिटर्मिन के स्ट्रीम किस स्टेट के अंदर है जिन स्टेट्स के साथ हमारा गर्ज है फॉर एग्ज़ाम्पल सी इन को ले लें तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जी पढ़ते हुए कोई एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया सो so, इसके लिए These stream objects have inside a set of flags. Flags को आप consider कर लें कि जी एक integer या एक long integer उन्होंने रखा हुआ है, जिनकी bit positions जो हम specify करते हैं कि जी ये काम हुआ या नहीं हुआ। Each bit can be zero or one, so it indicates something. So end of file की भी एक bit है, उसको test करने के लिए you can say cin dot end of file, and it will return the end of file status. The bit will be set अगर end of file आकर किया है। इसी तरीके से एक फेल बिट है कि जी अगर कोई ऑपरेशन फ़ेल कर गया है विच मीन्स कि मे बी दे वॉज अ फॉर्मेटिंग एरर सो सी इन डॉट फेल एज अ फंक्शन कॉल विल शो यू द वैल्यू ऑफ द फेल बिट क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर सकती है आप इसको इस स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रिकवर फ्रॉम द एरर ग्रेसफुली फिर एक बैड बिट है बैड बिट कहती है कि जी आपका डेटा लॉस हो गया if a bad bit is set that means in the input output operation some data was lost so you can check it by saying c dot bad with parentheses as a function call and that will allow you to check whether the input operation failed or was successful so eof bad fail and you can also check good so there is a bit for everything being good any so bad or fail you set a good bit set, so you can say cin.good, and you can check that bit and find out whether the input operation was successful. If a bit set like like bad, bit, there needs clear be a mechanism to clear So we have a cin.clear as a member function for these objects, and that will reset the bits to their normal good state. Here, anyway, this was part of checking the state of an input stream. Today, we will talk about manipulators. Ki. मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि स्ट्रीम्स जो हैं वो मैनिपुलेट कर सकें नंबर एक ख़ास तरीके से प्रेजेंट हो लेफ़्ट लगा हो राइट right लगा हो इतनी जगह ले एंड सो एन सो फोर्थ इसके लिए हमारे पास स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स होते हैं मैनिपुलेटर्स क्या चीज़ है इट्स लाइक समथिंग जो कि हम स्ट्रीम में इंसर्ट करेंगे ओके okay, और स्ट्रीम का बिहेवियर बदल जाएगा सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है मेरा फेवरेट नंबर पाई ले लें और उसको हमने लिखा हुआ है कि जी फ्लोट पाई इक्ल्स थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स एंड सो ऑन लंबी चौड़ी हमने डेसिमल प्लेसेस दी हुई हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जब प्रिंट करें तो पाई शुड बी प्रिंटेड अप टू टू डेसिमल प्लेसेस देन दिस इज़ अ फॉर्मेटिंग फंक्शन इसके लिए भी हमारे पास एक मैनिपुलेटर है जो बताता है कि जी इतनी वर्थ के अंदर प्रिंट करो और इतनी डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करो सो so, एक नहीं कई मैनिपुलेटर्स हैं कुछ मैनिपुलेटर्स जो हैं वो तो हैं पैरामीटर लेस उनके अंदर सिर्फ मैनिपुलेटर का नाम दिया जाता है और वो काम कर जाता है एक एग्ज़ाम्पल मैंने पिछली दफ़ा मैंशन भी किया था हम करते हैं इस्तेमाल एंड एल नाउ एंड एल एक्चुअली इज़ अ मैनिपुलेटर इट्स नॉट डेटा इट्स अ मैनिपुलेटर और जब आप कहते हैं सी आउट लेस दैन लेस दैन एंड एल तो करता क्या है कि एक न्यू लाइन भी आउटपुट हो जाती है और बफर भी फ्लश हो जाता है सो इट एक्चुअली मैनिपुलेटेड द आउटपुट स्ट्रीम इसी तरीके से फ्लश वॉज अ मैनिपुलेटर्स से सी आउट लेस दैन लेस दैन फ्लश विच मीन्स फ्लश द आउटपुट पर्फर इट मैनिपुलेट्स द आउटपुट लेकिन एक सेकेंड वरायटी है मैनिपुलेटर्स की जो कोई आर्गूमेंट भी लेती है उसका एग्जाम्पल हम एग्जैक्टली exactly मतलब टर्म्स में डिस्कस थोड़ा सा करते रहे आप उसको फॉर्मल कर लेते हैं कि जी अगर मैं वही पाई जो है उसको चाहूँ कि ये दो डेसिमल प्लेसिस के साथ प्रिंट हो तो कोई तरीका होना चाहिए मैं दो का हिंसा जो है ये किसी तरह बता सकूँ दिस इज़ सेंट इन एज अ पैरामीटर सो यू हैव मैनिपुलेटर्स विद आर्गमेंट्स यानी पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स अब इन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स को एंड मैनिपुलेटर्स विदाउट आर्गमेंट्स इनको आज हम देखेंगे लेकिन थोड़ा सा देखते चलें रिव्यू करते चलें कि जी स्ट्रीम्स हमारे लिए करती क्या हैं Okay, I mentioned last time the stream was like an ordered sequence of bytes, and it connects two things: a source and a destination. In the middle, it does some conversion. So maybe it takes binary representation of information and converts it into human-readable characters, or it takes characters which are human-readable and converts them into an internal representation of data. Satsat ham inka data ko conversion ke or chizey bhi आपने देखा होगा कि जो अगर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम चेक प्रिंट करे तो कई दफ़ा वो नंबर के आगे ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देता है यानी अगर हमने चार हज़ार का चेक बनाना है तो शायद आपको नज़र आए स्टार फोर ज़ीरो ज़ीरो जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो कभी ख्याल किया ये आगे स्टार्स क्यों डाले हुए हैं चार हज़ार से द आइडिया इज़ सो दैट नो बॉडी कैन एड अ नंबर बिफोर दैट यू डोंट वॉन्ट कि आपने चार हज़ार का चेक लिखा तो कोई आगे उसके एक लगा दे और चौदह हज़ार का चेक बना के उसको कैश कर ले सो so हम चाहते हैं कि जी ये आगे स्टार्स लग जाएँ ये भी एक किस्म का मैनिपुलेशन है जो कि इन इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स के साथ हम कर सकते हैं कि जी ऑटोमेटिकली कुछ आगे लिखा जाए हम चाहें तो विट्थ बता सकते हैं कि जी सात डिजिट्स के अंदर इस नंबर को प्रिंट करना तो विर्थ की स्पेसिफिकेशन भी हम कर सकते हैं एंड सो ऑन सो देर आर मैनी कन्वर्जन दैट वी कैन डू एंड देर आर मैनी पैडिंग्स दैट वी कैन डू एंड वी कैन यूज़ फिल कैरेक्टर्स ये जो मैंने स्टार का एग्जाम्पल दिया ये फिल कैरेक्टर्स हैं वो हम आते हैं उसके अंदर लेकिन एट द आउटसेट मैं एक चीज़ बताता चलूँ इन सारे कामों को एक्म्पलिश करने के लिए अनफॉर्चुनेटली इन माई ओपिनियन दो तीन मुख्तलिफ़ तरीके हैं सो इट बिकम्स अ लिटल कन्फ्यूजिंग कि एक ही काम दो या तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है कुछ जो हैं वो इन लाइन मैनिपुलेटर्स हैं जैसे इन एंड एल है वो हमने लेस दैन लेस दैन साइन के साथ इस्तेमाल किया और इन लाइन लिख दिया कि आपने जो भी आउटपुट करनी है चीज़ उसके बाद फिर डबल लेस दैन एंड एल डैट वॉज एन इन लाइन मैनिपुलेटर लेकिन यही काम शायद आप फ्लश मेथड के साथ भी कर सकते हैं सो यू कुड से सी आउट डॉट फ्लश ठीक है ना देट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि जी एक तरफ मेथड है एक तरफ इन लाइन मैनीपुलेटर है एक तरफ हम कहते हैं कि जी विड्थ के लिए इन लाइन मैनिपुलेटर भी है और एक फंक्शन कॉल भी है सो देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग थीज़ बट इन एन ऑर्डरली फैशन वी विल कवर दीज वन बाई वन सो इट वोंट गेट टू कन्फ्यूजिंग लेट आज स्टार्ट बाई टेकिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी सिंपल मैनिपुलेटर्स हम नंबर्स के साथ डील करते आए हैं ठीक है ना इंटेजर्स ले लें हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली इनपुट आउटपुट करते आए हैं और आपको ये भी पता है जो आपने सी एस वन ओ वन के अंदर भी पढ़ा था कि जी हमारी नंबर रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो किसी बेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बेस 10 अरिथमेटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बेस 10 के नंबर्स हैं यानी जब बैंक के चेक के ऊपर 4000 लिखा हुआ है तो यू नो दिस इज़ द वैल्यू फोर थाउजेंड इन द डेसीमल नंबर सिस्टम लेकिन जब हम कंप्यूटर्स की दुनिया में आ जाते हैं तो बाइनरी भी है यानी बेस टू अरेथमेटिक है डेसीमल भी है ऑक्टल भी है बेस एट हेक्साडेसिमल भी है बेस सिक्सटीन कई दफ़ा हम ये सोचने पड़ जाते हैं कि जी ये डिफरेंट बेस क्यों इफ़ यू थिंक अबाउट इट लेट मी ट्राई एंड गिव यू अ स्मॉल सिंपल जस्टिफिकेशन कंप्यूटर जो है वो बिट्स एंड बाइट्स पे चल रहे हैं इंटरनली बाइट जो है वो एट बिट्स की बाइट है अब एट बिट्स को अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं पहले एट बिट्स का छोटा हिस्सा करें 8 बिट्स में तो दो सौ छप्पन डिफरेंट वैल्यूज दैट मीन्स फ्राम जीरो टू टू फिफ्टी फाइव वो स्टोर हो सकती हैं अगर आप उसको आधा कर लें फोर बिट्स ले लें तो इसमें में वॉट इज़ द हाएसट नंबर दैट यू कैन स्टोर हैव यू हैव थॉट अबाउट दैट वेल इट इज़ टू टू द पावर एन माइनस वन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ बिट्स सो इट इज़ टू टू द पावर फोर विच इज़ सिक्सटीन माइनस वन ठीक है सो इट मीन्स के जी हाइस्ट नंबर दैट यू कैन स्टोर इज़ फिफ्टीन But the total numbers that you can store, including 0, would be 16. So it's 2 to the power n, which is the different values that you can store. Now, they we byte ko byte, ada kiya, to pata that uskandh, char bits keander solar different values store ho jati Sola 16 base 16 hexadecimal arithmetic. It means there is some relationship with numbers which are base jo hai wo power of two hai. तो दे आर इजिली मैनिपुले मैनिपुलेटेबल एज इन इन बिट फॉर्म्स चार बिट्स हैक्स वट अबाउट एट तीन बिट्स हों तो टू टू द पावर थ्री इज एट सो तीन बिट्स जो हैं वो ऑक्ट जो है आपका बेस एट अरिथमेटिक उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ ऑक्टल नोटेशन इफ यू वॉन्ट We can use manipulators to convert these numbers from one base to the other very, very simply, or c out or c in killy. manipulators hain. These are non-parameterized manipulators. So if we were to say something like int i equals 10. So now i has the decimal value 10 as we have been using all along. Ham c out less than less than i. So screen ke 10 lik kawa अगर हम यहाँ पे मैनिपुलेटर इस्तेमाल करना चाहें हम कहते हैं जी हम इसको ऑक्टल में देखना चाहते हैं तो पहला तो क्वेश्चन ये ऑक्टल में टेन की वैल्यू क्या होगी वे इट विल बी एट प्लस टू देट इज़ टेन सो एक डिजिट इधर चला जाएगा और टू आ जाएगा सो वन टू जो है दैट विल बी ऑक्टल टेन विल दैट प्रिंट आउट हाउ विल दैट प्रिंट आउट इफ़ यू से सी आउट लेस देन लेस देन ऑक्ट ओ सी टी शॉर्ट फॉर ऑक्टो लेस देन लेस देन आई तो ये मैनिपुलेटर करता क्या है कि जी जब आई स्ट्रीम में घुसने लगता है तो उससे पहले ओ घुस जाता है ये स्ट्रीम का मैनिपुलेट करता है और कहता है कि जी अब कन्वर्ट यूँ करें कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया जा रहा है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके इसको डिस्प्ले कर दें सो डेसिमल टेन की ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी इसी तरीके से अगर हम कहें सी आउट लेस देन लेस देन हेक्स एच ई एक्स शॉर्ट फॉर हैक्स डेसिमल और फिर लेस देन लेस देन आई तो हेक्सर डेसिमल इज़ ए मैनिपुलेटर जो आई से पहले आउटपुट स्ट्रीम में घुस के उसको मैनिपुलेट कर देता है और कहता है जो भी नंबर आ रहा है इसको बेस सिक्सटीन में रिप्रेजेंट करें बेस सिक्सटीन में टेन कैसे रिप्रजेंट किया जाता है याद है आपको वेल द डिजिट्स आर जीरो टू नाइन सो द वैल्यू टेन इज़ रिप्रजेंटेड एज ए तो वहाँ पे ए लिखा हुआ आएगा दैट इज़ द देक्स सिस्टम सो वेरी सिंपल मैनिपुलेटर्स ऑक्ट लिखते हैं तो जो भी नंबर होगा इंटेजर नंबर इन बेस टेन इट विल बी आउटपुट इन ऑक्टल बेस बेस एट अगर आप दरमियान में हेक्स लिख देते हैं और किसी इंटेजर को प्रिंट आउट करने लगते हैं तो इट विल भी रिप्रजेंटेड इन बेस सिक्सटीन अगर आप बेस बदल चुके हैं बेस नहीं बेस बदल चुके हैं एंड यू वॉन्ट टू गो बैक टू डेसिमल बेस तो डेक कर दें डी सी शॉर्ट फॉर डेसीमल एंड नंबर विल अगेन भी आउटपुट और इनपुट इन डेसेमल नंबर सिस्टम दीज आर वेरी सिंपल इन लाइन मैनिपलेटर्स विदाउट एनी आर्गूमेंट्स सो एंडेल भी हो गया फ्लैश भी हो गया ये जो है ऑक्ट हैक्स डेक ये भी हो गया ये आपके इन लाइन मैनिपुलेटर्स हैं एक और है वाइट स्पेस के लिए पिछली दफ़ा मैंने मैंशन किया था कि वाइट स्पेस हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इट इज़ अ डिलिमिटर दो नंबर्स के दरमियान अगर वाइट स्पेस छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये पहला वाला हिस्सा एक नंबर था फिर कोई जगह छोड़ी गई है और फिर दूसरा नंबर है सो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर ये स्पेस जो है एक्ट्स एज अ डिलीमिटर अगर हम चाहें कि जी ये वाइट स्पेस एज अ डिलीमिटर एक्ट ना करे तो वी कैन यूज़ अ डब्ल्यू एस मैनिपुलेटर विच विल स्किप वाइट स्पेस उसको भूल जाएगा दिस इज़ समाइम्स यूजफुल बट नॉट वेरी ऑफन यूज अगेन अ मैनिपुलेटर जिसके अंदर कोई आर्गमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं दिए जाते लेट अस लुक एट सम सिंपल मैनिपुलेटर्स जिनकी हमें समझ भी आए लेकिन उनके साथ कोई आर्गूमेंट भी अटैच हो सपोज़ हम वही नंबर वन जो है या नंबर टेन जो है उसको प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक ख़ास विड्थ के अंदर प्रिंट हो सो so अब ये वो एग्ज़ाम्पल जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि जी एक मेट्रिक्स को हम बड़े अच्छे तरतीब के साथ लिखना चाहते हैं तो उसमें नंबर शायद मेट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ वन भी हो वन हंड्रेड भी हो वन थाउजेंड भी हो जब हम नंबर्स लिखते हैं आपने देखा होगा कि नॉर्मली दे आर राइट जस्टिफाइड यानी वन लिखा जाता है तो वो पहले कॉलम में लिखा जाता है अगर टेन लिखें तो वन जीरो इस तरह से लिखेंगे कि पहले कॉलम में ज़ीरो आएगा और दूसरे कॉलम में वन आ रहा होता है वन हंड्रेड लिखें तो वन ज़ीरो ज़ीरो जहाँ आखिरी जीरो पहले कॉलम में आएगा सो दे आर राइट जस्टिफाइड नंबर्स अगर हम कुछ नहीं करते तो नॉर्मली ये लेफ्ट जस्टिफाइड आ रहे होते हैं या नंबर को जितनी जगह चाहिए सी आउट उतनी जगह में वो नंबर डिस्प्ले कर देता है अगर हम चाहें कि सारे नंबर्स एक जितनी विड्थ के अंदर डिस्प्ले हों सो देन वी वॉट वी डू इज़ वी थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर वी गोइंग टू यूज़ इन दिस केसले से चार डिजिट्स का नंबर है वन थाउजेंड हैज़ फोर डिजिट्स सो जी हम कहते हैं कि जी कोई मैनिपुलेटर ऐसा डाल दिया जाए आउटपुट के अंदर जो कि हर इंटीजर को चार स्पेसिस के अंदर प्रिंट करे सो वी हैव अ मैनिपुलेटर कॉल्स सेट डब्ल्यू शॉर्ट फॉर सेट विड सो अब हम कहेंगे सी आउट लेस देन लेस देन सेट डब्ल्यू परंथिस के अंदर फोर डेट्स इज कितनी विड्थ सेट करनी है सो इट्स क्वाइट सिंपल सेट डब्ल्यू सेट सेट डब्ल्यू फोर फिर लेस देन लेस देन इंटीजर जो भी इंटीजर है आई जे के जब ये इंटीजर प्रिंट होने जाएगा तो स्क्रीन पे इसको चार हिंसों की जगह मिलेगी और उसके अंदर ये राइट right साइड के ऊपर जस्टिफाई होकर प्रिंट हो जाएगा अब अगर इसी मेकनिज़म के साथ आप ऊपर नीचे कोई प्रिंट करना चाहें तो बड़े नीटली अरेंज्ड आपको नंबर्स मिलेंगे सो इट्स अ गुड मैनिपुलेटर सेट शॉर्ट और पर इसका नाम जो एक्चुअल यूजेज है वो सेट डब्ल्यू है दूसरा मैनिपुलेटर मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल दिया था बैंक चेक्स का हम चाहते हैं कि जो खाली जगह है उसको किसी तरीके से फिल कर दिया जाए ताकि जो हम आउटपुट करना चाहते हैं उसको मैनिपुलेट ना कोई कर ले वो है फिलिंग ऑफ एम्प्टी स्पेस सो द मैनिपुलेटर देयर इज़ द सेट फिल ठीक है एस सी टी एफ आई एल एल और उसके अंदर भी सिंपल यही है सी आउट लेस देन लेस देन सेट फिल परिस के अंदर आप कैरेक्टर देते हैं नाउ कैरेक्टर जो है नॉर्मली सिंगल कोर्ट्स के अंदर आप कैरेक्टर लिख देते हैं विच यूजली इज़ मतलब बैंक्स जो है वो तो एस्ट्रिस्क इस्तेमाल करती हैं वही जो स्टार लिखा हुआ होता है सो यू यूज अ सिंगल कैरेक्टर इन देयर बट इट कैन बी एनी कैरेक्टर आप चाहें ज़ीरो लिखते हैं आप चाहें एक्स लिखते हैं यू कैन इवन यूज़ एन इंटिजर दैट हैज़ अ केरेक्टर रेप्रेजेंटेशन बट देन यू वुड नीड टू नो एस की वैल्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट सिम्पल इज़ कि एक सिंगल कोर्ट्स के अंदर कैरेक्टर लिख दिया जाए देट बिकम्स द फिल कर कैरेक्टर नाउ अगर देखा जाए तो फिल कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस तभी काम आती है जाके अगर हमने सेट विथ भी किया हो यानी अब हम चेक लिखने जा रहे हैं हम कहते हैं कि जी जो भी चेक की वैल्यू होगी उसको दस डिजिट्स में लिखा जाएगा और दस डिजिट्स में अगर वैल्यू कम है तो बाकी जगह पे स्टार्स लिखे जाएं तो हम कहते हैं सेट फिल सिंगल कोर्स के अंदर स्टार और फिर लेस देन लेस देन सेट डब्ल्यू टेन और फिर लेस थेन, लेस देन जो नंबर हम एक्चुअली प्रिंट करना चाहते हैं सो इफ यू थिंक अबाउट इट मैनिपुलेटर्स भी कैसकेड हो सकते हैं जिसको हमने चेनिंग कहा था और क्योंकि ये लेस दैन लेस दैन ऑपरेटर जो है द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ये ओवरलोडेड है और ना सिर्फ ओवरलोडेड है हर ओवरलोड जो है इसका इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द सी आउट ऑब्जेक्ट इट इट मीन्स दैट इन वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले उसका फिल कैरेक्टर सेट होगा रिटर्निंग अ रेफरेंस टू सी आउट उसके बाद उसकी सेट विड्थ हो जाएगी टेन कैरेक्टर्स की अगेन रिटर्निंग अ रेफरेंस टू सी आउट सो अब एक किस्म की हमने स्ट्रीम जो है ना उसको दो तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है अब उसमें समझ ले कि ये दो बेंड दे दिए पाइप को उसके बाद जो नंबर इसमें जाएगा उसकी पहले विथ भी सेट होगी फिर उसके साथ फिल कैरेक्टर भी लगेगा और चेक के ऊपर जो डब्बे के अंदर प्रिंटिंग होगी वो दस कैरेक्टर्स की होगी इन आर सिंपल एग्जांपल के अगर हम चार हज़ार लिखना चाह रहे हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट ऑफ प्लेसेस तो वहाँ पे छः स्टार्स लग जाएंगे और फिर फोर ज़ीरो जीरो ज़ीरो चार कैरेक्टर्स और ऐड हो जाएंगे टोटल दस प्रिंट होंगे सो वी हैव दिज टू मैनिपुलेटर्स सेट विद एंड सेट फिल विच आर ऑब्वियसली यूज विद सी आउट ऑपरेशन चलें इस बैंक चेक के एग्जाम्पल को आगे चलाते हैं नॉर्मली जब हम चेक लिख रहे होते हैं या कोई लिख के हमें देता है या कम्प्यूटर प्रिंटेड चेक हमारे हाथ में आता है तो उसमें सिर्फ होल नंबर नहीं लिखा होता सात पॉइंट जीरो जीरो भी लगा होगा अगर पूरे रुपये भी देने आपको तो आप फोर थाउजेंड पॉइंट जीरो जीरो लिखेंगे या मोस्ट ऑफ दिज करेंसीज देव डेमर फ्रैक्शन लेकिन आप ये कभी नहीं देखेंगे चेक के ऊपर लिखा हुआ फोर थाउजेंड पॉइंट वन टू थ्री फोर यू डोंट गेट फोर डेसिमल प्लेसिज ऑन द राइट हैंड साइड मैक्सिमम टू इन एनी करेंसी ऑफ एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज देर अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग द प्रिसजन हाउ डू वी इंडिकेट कि जी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसिजनी आफ्टर द पॉइंट दैट शुड बी टू सो रिस्ट्रिक्टी डिजिट्स वेल आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर इट इज द सेट मैनिपुलेटर सो सेट प्रोजिशन सेन जो है वो भी एक पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है वो हम लिखते हैं विद द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड इन साइड द पैरेंथिस सो इफ आई से समथिंग लाइक सी आउट लेस दैन लेस दैन सेट प्रसिजन टू उसके बाद जो भी नंबर आएगा नॉर्मली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है या डबल प्रसिजन नंबर होता है तो उसकी दो डेसिमल प्लेज तक वैल्यू प्रिंट होगी लेट्स गो बैक टू आर ओरिजिनल फेवरेट नंबर पाए पाए हमने शार्प डिफाइन के साथ बेशक डाल दिया ऊपर और उसके हमने कोई छः या आठ डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइज उसकी वैल्यू डाल दी हुई है प्रोग्राम के अंदर जब हम उसको प्रिंट करने जाते हैं तो अगर मैं सिर्फ कहूँ सी आउट लेस देन लेस देन पाए तो जितनी डेसिमल प्लेसेस हमने डिफाइन की थी उस कॉन्सटेंट के लिए वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी लेकिन अगर हम चाहें कि कोई फॉर्मेटेड आउटपुट हो और पाए की जो है वो सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस प्रिंट हों तो वी कैन डू समथिंग लाइक सी आउट लेस देन लेस देन सेट प्रिसन

नाइन टू सिक्स और फिर आगे चलता जाता है आउट टू इन्फिनिटी तकरीबन अगर पाई को प्रिंट किया जाए अप टू फाइव डेसिमल प्लेसेस क्या वैल्यू आएगी अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस क्या वैल्यू आएगी क्या आखिरी डिजिट जो है वो राउंड होगा या बाकी हिस्से कट जाएंगे और वो एग्जैक्ट है दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इन टेल मी बट फॉर द मोमेंट सेट प्रिसन अलाउज़ यू टू सेट द नंबर ऑफ प्लेस आफ्टर द डेसीमल पॉइंट दैट यू वुड बी प्रिंटिंग उसके बाद नाव कम्स द कन्फ्यूजिंग पार्ट अभी मैंने आपको इन लाइन मैनिपुलेटर्स बताए जिनमें कोई आर्गमेंट की ज़रूरत नहीं थी हम लिख देते थे सी आउट लेस दैन लेस दैन हेक्स और उसके बाद जो नंबर था वो हैक्सर डेसिमल नोटेशन के अंदर प्रिंट होता था लेकिन एक और मैनिपुलेटर भी है जो पैरामीटराइज है और काम यही करता है वो है सेट बेस तो अगर आप चाहें बजाय हेक्स ऑक्ट और डेक लिखने के इन लाइन आप ये भी लिख सकते हैं सी आउट लेस देन लेस देन सेट बेस परंथिस एट दैट विल बी द सेम एज राइटिंग ओ सी टी ऑक्ट एज आई ऑलवेज से इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल विच वन ऑफ दिज मैनिपुलेटर्स यू स्टार्ट यूजिंग बट यू कैन यूज ईदर ऑफ दम एंड द इफेक्ट इज एग्जैक्टली द सेम सेट बेस एट मीन्स द नेक्स्ट नंबर आउटपुट विल बी आउटपुट इन बेस एट सेट बेस सिक्सटीन विल मीन नेक्स्ट नंबर आउटपुट विल बी इन हैक्सर डेसेमआउट

एक फ्लैग का सेट जो था वो तो स्टेट के लिए था कि जी गुड है फेल है एंड ऑफ फाइल है वॉट आर दट इज दचुएशन ऑफ द स्ट्रीम एक और सेट ऑफ फ्लैग्स है इनपुट आउटपुट स्टेट के फ्लैग्स या आई ओ एस फ्लैग्स इनपुट आउटपुट सिस्टम के फ्लैग्स ये भी एक नंबर है जो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है और इन फ्लैग्स का भी अपना अपना मतलब है सो वी कैन यूज सेट आई ओ फ्लैग्स एंड देन गिव अ नंबर यूजली अ लॉन्ग नंबर जिसके अंदर डिफरेंट बिट वैल्यूज़ सेट कर दी जाती हैं तो फ्लैग्स सेट हो जाते हैं इतनी विट है ये प्रिस लेफ्ट जस्टिफाई करने राइट जस्टिफाई करने एंड सो ऑन कॉम्प्लिकेटेड बट यू कैन लुक एट अप इन द बुक देर आर सम टेबल्स दैट टेल यू वट दीज फ्लैग्स आर एंड देन वॉट वैल्यूज़ यू कैन यूज़ जब कोई बहुत प्रसीजन वाला कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम कई दफ़ा आई आयो, ऑफ एस फ्लैग्स को भी इस्तेमाल कर लेते हैं इनको सेट भी किया जा सकता है और रीसेट भी किया जा सकता है Reset means go back to the default state of the stream as if your program had just started and you had not manipulated anything. Let's start making things even more complicated. have a set W manipulator, abhi zikr kiya, parameterized manipulator, which says what width can the print karni. Hai? Is there an alternative? Unfortunately, again there is. There is a member function which is width. वो भी मेंबर फंक्शन यही आर्गूमेंट लेता है कि जी बताएं कितनी विड्थ के अंदर चीज़ें प्रिंट करनी है या कितनी विड्थ से चीज़ें पढ़नी हैं सो इट अप्प्लाइज बोथ टू इनपुट स्ट्रीम्स एज वेल एज आउटपुट स्ट्रीम्स उसके लिए हम लिखते हैं सी इन डॉट विथ सेवन सो सात कैरेक्टर्स की एक विड्थ वाली लेथे फॉर्मेट फील्ड बन जाएगी और उसके ऊपर हम सेवन कैरेक्टर्स की इनपुट ले सकते हैं हम कहते हैं सी आउट डॉट विद टेन वही चेक वाला एग्जाम्पल ये अब आउटपुट फील्ड की विद्ध दस कर देगा नेक्स्ट नंबर जो प्रिंट होगा वो दस स्पेसेस के अंदर प्रिंट होगा सो सेट डब्ल्यू इन लाइन मैनिपुलेटर उसी का फंक्शन कॉल इज सी इन डॉट विद या सी आउट डॉट विद विद सिंगल आर्गूमेंट विच इज सेंग हाउ मैनी प्लेसेस। सेम थिंग अगेन विद सेट प्रिस पैरामीटराइज इन लाइन मैनिपुलेटर विद सेट के जी पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस प्रिंट करनी है देर इज़ अ मेम्बर फंक्शन एज वेल इन दिज ऑब्जेक्ट्स सो यू कैन से सी आउट डॉट प्रिसजन सेट प्रजन इन लाइन है जो कि हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यानी डबल लेस दैन साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हम फंक्शन कॉल के तौर पर करना चाहें तो वी से सी आउट डॉट प्रिसजन परेंथिसिस के अंदर टू इट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट सो यू हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब हम इन लाइन मैनिपुलेटर लिखते हैं राइट समथिंग लाइक सी आउट डबल लेस दैन सेट डब्ल्यू सेवन डबल लेस दैन आई उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे अगर हम लिखते हैं सी आउट लेस दैन लेस दैन जे तो ये ख्याल रहे कि जो सेट डब्ल्यू सेवन किया था वो सिर्फ आई को अप्लाई करता है यानी द इनलाइन लाइन मैनिपुलेटर अप्लाइज ओनली टू द वेरी नेक्स्ट पीस ऑफ डेटा दैट इज बिंग आउटपुट इट डज नॉट अप्लाई टू सब्सिक्वेंट आउटपुट ऑपरेशन एक दफ़ा विथ वगैरह जो हैं वो स्ट्रीम की स्टेट को भी सेट कर सकते हैं देर आर सम विच आर लेस परमानेंट सम विच आर मोर परमानेंट दिस इज अनदर एरिया दैट यू नीड टू रीड अप ऑन इसके बाद आ जाती है हमारी फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशन के जी जो चीज़ हम आउटपुट करना चाहते हैं वो लेफ्ट पे लगी होगी या राइट right पे लगी होगी या जस्टिफाइड होगी एंड सो एंड सो फोर्थ इसके लिए हमारे पास आई ओ एस कोलन कोलन एडजस्ट फील्ड एक एडजस्टमेंट फील्ड है जस्टिफिकेशन के लिए जो कि इन्हीं स्ट्रीम्स के साथ एसोसिएटेड है और उसके साथ कुछ वैल्यूज़ हैं वो भी आई के अंदर डिफाइंड हैं सो so अगर आप ये हैंड आउट में भी देखें और स्क्रीन पे भी देखें लगता कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स नॉट एक्चुअली वी राइट समथिंग लाइक आई ओ एस कोलन कोलन लेफ्ट दैट मीन्स कि ये आई ओ सिस्टम का जो मेम्बर वैल्यू है लेफ्ट वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा यहाँ इस्तेमाल करते हैं आई ओ एस कोलन कोलन राइट दैट मीन्स राइट वाली अगर सेंटर करना है तो हम कहते हैं आई ओ एस कोलन कोलन लेफ्ट और विच इज़ द बिट ऑपरेटर सिंगल पाइप का सिम्बो आई ओ एस कोलन कोलन लेफ्ट और आई ओ एस कोलन कोलन राइट ये चीज़ को सेंटर कर देगा ऑन आउटपुट इसके साथ हमें आई ओ एस कॉमा एडजस्ट फील्ड आई ओ एस कोलन कोलन एडजस्ट फील्ड लिखना पड़ता है ताकि पता चल जाए ये लेफ्ट राइट वगैरह किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं सो so, इसका एग्जैक्ट सेंटेक्स जो है

और उनकी वैल्यू क्या है वो या लेफ्ट है या राइट right है या लेफ्ट और राइट है विच मीन्स दो बिट सेट हो जाएंगी सो सेट एफ़ इज़ अ कॉमन फंक्शन जो कि और जगहों पे भी इस्तेमाल हो जाता है बट द दिनटैक्स इज सिंपल इनफ इट्स अ मेम्बर फंक्शन मेम्बर मेथड है सो वी से सी आउट डॉट सेट एफ देन विद इन पैरथिस उसके आर्गूमेंट्स इन दिस केस लेफ्ट राइट एडजस्ट करना है या सेंटर करना है कॉमा किस फील्ड के फ्लैग सेट करने हैं विच हैपन्स टू बी एडजस्ट फील्ड सो दैट इज़ आई ओ एस कोलन कोलन एडजस्ट फील्ड Now again going on, we already had fill. हमने set fill manipulator इस्तेमाल किया था for writing out that famous check of ours. We can also use the member function which is cout dot fill. Behaviour is exactly the same. We say cout dot fill. Parentheses के अंदर within quotes एक symbol sing, single character जो है वो डाल दिया. Usually asterisk डाला जाता है. कई दफा leading zeros भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो zero भी डाल दिया जाता है. अगेन दिस इज़ मोस्टली यूज वेन एवर बी यूजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बट नॉट नेसेसरली कई दफ़ा हम चाहते हैं कि जी हमारा साइंटिफिक डेटा आउटपुट हो रहा होता है कि जी जो भी नंबर प्रिंट हो वो दस डिजिट्स पूरे में प्रिंट हो तो वो नई इस कॉलमनर आउटपुट जो है आ रही है दस दस कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं तो उसके अंदर हम फिल करेक्टर ज़ीरो भी डाल सकते हैं कहते हैं कि जी विथ बारह में प्रिंट करो ज़ीरो फिल करेक्टर प्रिंट करो और फिर नंबर्स की आउटपुट शुरू हो जाती है तो जो नंबर छोटा है उसको प्री सीड करने के लिए उससे पहले उनके आगे जीरोस लग जाते हैं यू वेल हैव सीन मूवीज वूवीज़ में अगर वो देखें कंप्यूटर प्रिंट आउट पड़ा हुआ है तो बहुत सारे कॉलम्स ऑफ नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो देखा होगा कि तकरीबन सारे नंबर्स एक ही विद्थ में प्रिंट हो रहे होते हैं सो यू कैन मैनिपुलेट द आउटपुट स्ट्रीम बाई यूजिंग सेट विद एंड फिल इन दिस केस वी हैव कॉल्ड द मेम्बर फंक्शन सो वी से सी आउट डॉट फिल एंड देन वी कैन यूज़ द इन लाइन Parameter or uh, uh, mani uh, parameterized manipulator saying "c out less than less than set width 10" and so on. So fill and set fill, width and set w, fill or precision and set precision. So for almost every inline manipulator, there happens to be a member function that we can also call with these streams. Okay, don't get confused by it. यू शेड इनफैक्ट टेक इट अप एज एन एक्सरसाइज कि अगर किताब के अंदर एक ही टेबल में आपको ये सारे मैनिपुलेटर्स लिखे हुए हैं तो आप इनको सेपरेट करें कौन सा मेम्बर फंक्शन है और कौन सा जो है मैनिपोलेटर है याद रहे कि जो चीज़ मम्बर फंक्शन है वो आपको आई ओ स्ट्रीम डॉट एच से मिल जाएगी क्योंकि क्लास की डेफिनेशन तो वहाँ पर है लेकिन जो चीज़ मैनीपोलेटर है वो आपको आई ओ मैनप डॉट एच जो हैडर फाइल है So you have to include IOManip.h in your programs if you want to use these inline stream manipulators. Okay. If things weren't complicated enough, let's make them even more complicated. Base. Basically, though manipulators already have discussed ki. DEC, Oct, and Hex as inline manipulators without any arguments. Then set base. विद आर्गूमेंट्स ऑफ जीरो और टेन फॉर डेसेमॉल एट फॉर ऑक्टो सिक्सटीन फॉर हैक्सिमोल एंड देर इज येट अनादर वन विच इज सेट एफ़ मैंने कहा था वो सेट एफ जो है बड़ा जेनेरिक्स फंक्शन है ये फ्लैग्स को सेट करता है सो इफ यूज समथिंग लाइक सी आउट डॉट सेट एफ एंड विद इन परंथ आई ओ एस कोलन कोलन हैक्स तो आई ओ एस के अंदर ये हैक्स जो है ये डिफाइंड है लेकिन इट हैज़ द सेम इफेक्ट It sets the output stream in this case C out to use hexadecimal display for integers. So it's a third way of achieving the same task. Not very useful, but again it's a matter of style. your programming style developed, you will notice that message flags ko manipulate karna, ziada san sum jingge. Waha you set f, set flags, set IO flags, reset IO flags. ये सारे मेंबर फंक्शंस कॉल कर रहे होंगे कुछ जो हैं उनका काम इस तरह का हो जाएगा कि जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फ्लैग बिजनेस मैंने तो सिंपल कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं कॉलम में प्रिंट करनी है तो विर्थ मेरे लिए काफ़ी है विर्थ करके आप इन लाइन मैनिपुलेटर डाल देंगे सेट डब्ल्यू का या आपने परमानेंटली फिक्स करनी है आपने सी आउट के लिए कोई विथ सेट कर लिया आप मेम्बर फंक्शन कॉल कर लिया सो इट्स गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल बट यू हैव टू बी अवेयर कि एक ही काम करने के लिए कई जगह पे दो और इन दिस केस फॉर द बेस देर इवन थ्री वेज ऑफ डूइंग दिस बेस क्योंकि साइंटिफिक या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर खासतौर पे जब हम कंप्यूटर साइंस का काम कर रहे होते हैं तो बेस बिकम्स इंपॉर्टेंट हम चाहते हैं कि जी हेक्साडेसिमल में नंबर की रिप्रजेंटेशन क्या है अगर कोई और जस्टिफिकेशन है पहले मैंने कोश, कोशिश की कि जी बिट्स के साथ ये मैच करते हैं थोड़ा सा आपको और आइडिया देता चलूँ आजकल के हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो तो सिंपल डब्बे हैं ठीक है ना जैसे क्लोज बॉक्स आगे एक बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा सात बटन भी है वो रीसेट का भी बटन लगा हुआ है बट जो बड़े वाले कंप्यूटर्स हैं मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम्स तो उनकी अगर आप तस्वीरें भी देखें या अगर कभी मौका मिले उनको देखने का इवन टूडे हालांकि द प्रीवियस वर्जन जो थे उनमें तो लाजमी था बट आज भी कई दफ़ा आपको आगे रोज़ और स्विचज नज़र आते हैं सो दे आर मेनी स्विचज इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर जो कि एज ह्यूमन बींग्स वी कैन मैनिपुलेट These switches normally are directly setting values in registers inside the computer. So switches 10110010 isra karke switches ke switches ek register ki value set kar sakte. We can do that for starting the computer, we can do that for signaling a special condition and so on. But nonetheless, what I am trying to say is there are switches in front of many of the bigger computers. स्विचेस को देखते हैं तो यू सी दिस होल रो आठ स्विचेस लगे हुए हैं दस लगे हुए हैं सोलह लगे हुए हैं एंड यू ट्राई टू रिमेंबर कि जी वो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्या वैल्यू डालनी थी बीच में आई हैव डन दैट पुराने ज़माने की बात है लेकिन वो यही होता था कि जी एक नंबर लिखा होता था कागज़ के ऊपर उसको पढ़ के हम स्विचेज़ को सेट कर रहे थे ये ऊपर ये नीचे ये ऊपर ये नीचे बट एज ह्यूमन बींग्स

f set ho gaya and so on so if you think about it it is shorthand thinking octal and thinking hexadecimal straight off maps to those bits it takes a little bit of practice but samne aapke switches ke sath mapping ho jati hai on the other hand decimal does not map to those bits main kehta hu ji decimal number 52 इसका octal क्या होगा You have to think अच्छा जी मैं कागज़ पेंसिल लेके calculate करूँगा क्या ऑक्टल representation क्या है या हेक्साडेसिमल क्या है और अगर मैं कह दूं बाइनरी क्या है तो फिर एक कैलकुलेशन होगी वो आपको तरीका भी सिखाया गया था सी एस वन ओ वन के अंदर सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द अदर हैंड इफ आई से समथिंग लाइक सेवन ए बी सी वेल सोलह तक की गिनती तो हमें आ ही जाती है ना और हेक्स के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हम चार बिट्स पर मैप कर रहे होते हैं ऑक्ट के तौर पर हम हमेशा तीन बिट्स के ऊपर मैप कर रहे होते हैं सो वी कैन थिंक सेवन ज़ीरो वन 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 एज़ टेन वन जीरो वन ज़ीरो Okay, 8 plus 2, 10. So you can quickly set the switches. Now, it may not be relevant today, but when you get into actually working with the big computers, this even does become relevant. There are many times that we have to manipulate binary data using mechanical devices and then thinking in octal, thinking in hexadecimal becomes a useful ability to have. Justification have why इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर पहुँच के यू हैव ऑल दिज मैनी ऑप्शन के जी कैसे बेस सेट करना है सो सेट बेस के साथ भी कर लिया ऑक्ट हैक्स डेक के साथ भी कर लिया सेट एफ़ के साथ भी कर लिया सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग बट देर वॉज अ रीजन फॉर दिस इंपॉर्टेंट एंड प्रोग्रामर्स ही लैंग्वेज लिख रहे होते हैं या कंप्यूटर साइंसिस लिख रहे होते हैं सो दे लाइक थिंकिंग इन ऑक्टल इन हैक्सा डेसिमो तो उसके लिए वो फैसिलिटी जो है वो लैंग्वेज के अंदर बिल्ड इन कर देते हैं लॉट्स ऑफ स्टाफ अब हमने जहाँ पे बेस की इतनी बात कर ली तो कहीं पे ये भी तरीका होना चाहिए कि कंप्यूटर हमें ये भी बता दे भाई किस बेस के अंदर ये नंबर जो है मैंने आउटपुट किया है रिमेंबर अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ आता है इट्स अ नंबर बट इज रिटन सेवन ए बी सी देर इज़ नो ऑप्शन इट हैज टू बी हैक्स अ सेवन एफ 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 इट्स हैक्स अ बट इफ़ इट इज सेवनटी सेवन इज इट डेमो इज इट ऑक्टल इज इट हैक्सर डेसेमोल क्योंकि 77 सेवन हैपन्स टू अ वैलिड नंबर विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोर्स इन ऑल ऑफ़ द डिफरेंट बेसिस सो देर इज़ अ बिल्ट इन फैसिलिटी विच इज़ शो बेस शो बेस भी फ्लैग है यू कैन सेट शो बेस फॉर द आउटपुट स्ट्रीम और वो फिर ये नंबर डिस्प्लेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करेगा अगर आपने शो बेस ऑन किया हुआ है सिंटैक्स आप देख लें हैंड आउट्स में भी दिया हुआ है वॉट इज़ डेसेमल नंबर्स आ प्रिंटेड सिंपली एज नंबर्स ऑक्टल जब आप प्रिंट कर रहे हैं यानी मैंने प्लेटर आपने ऑक्ट लिख दिया है या सेट बेस कर दिया है तो ऑक्टल के लिए एक प्रीसीडिंग ज़ीरो लिख दिया जाता है सो सेवन विल प्रिंट एज ज़ीरो सेवन एंड दैट इमीजिएटली इंडिकेट्स टू यू और टू अस एज ह्यूमन बींग्स कि जी कंप्यूटर इज आउटपुटिंग इन ऑक्टल वैल्यू और अगर हैक्सर डेसेमल है उसके लिए जीरो एक्स लिख दिया जाता है एज अ प्रीफिक्स so the number 77 in decimal would print as 77 the number 77 7 in octal i mean called 77 nahi because 77 7 octal is some other value in fact it happens to be of 56 plus 7 63 so 77 7 octal you hai it will be output as 077 7. and then 77 7 in hexadecimal वैल्यू निकालें जल्दी से सिक्सटीन सेवन सा वन ट्वेंटी एट प्लस सेवन वन थर्टी फाइव इट विल बी आउटपुट एज जीरो एक्स सेवन सेवन नाओ एज ह्यूमन बींग्स वैन वी रीड द आउटपुट वी नो किस बेस में आउटपुट लिखी गई है सो वैन वी मैनिपुलेट द लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन सेट द बेस बट देन वी वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि किस बेस के अंदर काम हो रहा है वी कैन यूज दैट यूज शो बेस फॉर दैट पर्पज नाउ देर इज़ अनदर मैनिपुलेटिंग नंबर्स अगेन एक और मैनिपुलेटर्स हैं वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं देखें व्हेन नंबर्स स्टार्ट गेटिंग बिग आई मीन हजार दस हज़ार लाख ठीक है वन फाइव ज़ीरोज़ एक मिलियन अगर लिखना हो तो इट्स वन फॉलोड बाय सिक्स जीरोज़ ओके व्हाट अबाउट अंड्रेड मिलियन वन एट ज़ीरोज़ एंड सो ऑन दीज नंबर्स आर गेटिंग बिग अगर कंप्यूटर्स के लिए तो कोई मसला नहीं है दे कैन यूज बिग नंबर्स वट द पावर ट्वेंटी

सो द आइडिया सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर साइंटिफिक नोटेशन सो अगर आप फ्लैग सेट कर लेते हैं सेट एफ के साथ आई ओ एस कोलन कोलन साइंटिफिक तो नंबर्स जो हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दे विल बी डिस्प्लेड इन साइंटिफिक नोटेशन विच इज़ द होल नंबर पार्ट सिंगल डिजिट फुल स्टॉप कुछ प्रिसिजन यानी कुछ डेसिमल वैल्यूज़ फिर ई शॉर्ट फॉर एक्सपोनशल यानी टेन टू द पावर इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्लस या माइनस बिकॉज इट कुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर एंड इट हैज़ द सेम प्रॉब्लम्स और फिर आगे ज़ीरो नाइन लिखा हुआ है विच मीन्स टेन टू द पावर नाइन साइंटिफिक नोटेशन विच यू सी इन बुक्स एज वेल वेरी कॉमन सो यू कैन सेट द आउटपुट स्टेट ऑफ अ स्ट्रीम टू यूज साइंटिफिक नोटेशन फॉर नंबर्स इसी को आप वापस लाना चाहें तो दूसरी नोटेशन को हम फिक्स्ड नोटेशन कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट शॉर्ट का मतलब पूरा वर्ड जो है वो फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन है बट उसको आई ओ एस कोलन कोलन फिक्सड कर देते हैं फिक्सड करते हैं तो हम कहते हैं नॉट साइंटिफिक यानी अब नंबर एज एन ऑर्डनरी नंबर लिखो जितनी भी डिजिट्स चाहिए हों उसके लिए फिक्सड में जब आते हैं तो सेट प्रिसन भी काम कर रहा है सेट विड भी काम कर रहा है एंड सो ऑन एक और इसी सिलसिले में मैनिपुलेटर है विच इज़ आई ओ एस कोलन कोलन अपर केस वेन वी यूज दैट मैनिपुलेटर वॉट इज के साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो भी ई e लिखा जा रहा है ये अपर केस में कैपिटल ई e आएगा अगर आप हेक्सर डेसिमल नंबर्स इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो वो कैपिटल्स में नज़र आएंगे ऑन आउटपुट सो एफ ए बी सी डी ई एफ जो हेक्स के कैरेक्टर्स हैं नंबर्स तो नंबर्स हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो अपर केस में आपको नजर आएंगे दीज आर ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग इश्यूज बट समाइम्स दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड वेन यू हैव अ वेरी निट पेकिंग यूजर अ वेरी डिमांडिंग यूज़र एंड यू नो एज़ प्रोग्रामर्स यू गो आउट एंड यू राइट प्रोग्राम्स फॉर अदर पीपल जो डिमांडिंग यूज़र होगा वो तो यही कहेगा जनाब इस डब्बे के अंदर नंबर आपने लिखना है इस जगह से शुरू होना चाहिए इस जगह ख़त्म होना चाहिए इतनी इसकी डेसिमल प्लेस होनी चाहिए अगर नंबर छोटा है तो इसके आगे स्टार्स डालने एंड सो ऑन यू हैव टू सेटिसफाई दैट सो यू हैव टू नो दिस मैनिपुलेटर्स एंड बी एबल टू फॉर्म थिंग्स नाइसली नाव You have enough knowledge and expertise to do start doing some really fancy output. As a challenge, do something. You have used matrices. Take a three by three matrix, which means a two-dimensional array of integers of size three and three, three rows, three columns. And the exercise for you is to be able to show that matrix on the screen in a neatly formatted manner. Now. हमारे पास अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जी तीन रोज़ के लिए बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे तो हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं हम क्या करते हैं हम जो पाइप सिंबल है वर्टिकल बार उसको इस्तेमाल कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डू अ वर्टिकल बार अ नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर एंड अदर वर्टिकल बार देन द सेकेंड रो सो यहाँ पे न्यू लाइन आएगी फिर वर्टिकल बार नंबर 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 एंड सिमिलरली द थर्ड रो बट द चैलेंजेस the numbers should line up the vertical bars should line up for those of you who are even more you know, inclined towards experimentation go back and look at your ascii table aikman a program aptilikya aikathi the ascii table you out carrying that aikman ascii value 128 it's graphical symbols shirogati you can use those you can actually use those values and try to print graphical symbols जिसे आप बड़ी नाइस मैट्रिक्स बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस पाइप सिंबल विच इज़ अ वेरी क्रूड अप्रॉक्सीमेशन बट दैट हैज़ मोर टू डू विद एस की इस वक्त चैलेंज जो है वो है सेट विथ और प्रेसिजन को इस्तेमाल करते हुए आप मैट्रिक्स को नाइसली फॉर्मेटेड स्क्रीन के ऊपर प्रजेंट करें वेल बाई नाउ यू नो मी थिंग्स आर ऑलवेज एज सिंपल एज आई मेक दम आउट टू बी आपको एक चैलेंज दिया है बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि जी वो पाइप सिंबल यानी वर्टिकल बार और इंटीजर्स के साथ आप एक नाइस फॉर्मेटेड मैट्रिक्स प्रिंट करें जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ हों नेक्स्ट चैलेंज आप वो वर्टिकल बार नहीं इस्तेमाल करने वो ग्राफिकल सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं आप ये ज़रूर पूछेंगे कि जी वो ग्राफिकल सिंबल मैं आउटपुट कैसे करूं? हाउ डू आई इंडिकेट ये कैरेक्टर कैसे आएगा बिकॉज नोट इसकीबोर्ड पे तो वो कैरेक्टर्स हैं नहीं एक आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता चलूँ एस की टेबल का जो प्रिंट आउट था उसके अंदर ये ग्राफिकल सिम्बल्स की आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो मिल गई अब ये ट्राई करें कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ से उठाएं लेट सपोज इट इज़ 135 जो है वो किसी सिंबल की वैल्यू है ऑल्ट की दबाएं जो एक आपके कीबोर्ड के ऊपर दोनों तरफ एक छोटी छोटी की लगी होती है उस पर ए एल टी लिखा हुआ है आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की अब इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट की दबा के जो राइट right साइड पे न्यूमेरिक की पैड है उसमें देख लें न्यूम लॉक ऑन होना चाहिए नंबर लॉक ऑन होना चाहिए लाइट जल रही होगी उसकी वहाँ से वो वन थ्री फाइव नंबर टाइप करें सो इसे ऑल्ट वन थ्री फाइव ऑल्ट को जब छोड़ेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक कैरेक्टर नजर आएगा दैट शुड बी द कैरेक्टर जो कि आपके एस की टेबल में प्रिंट हुआ था नाउ दैट वॉज द ट्रिक आई गिवन यू यूजिंग द ऑल्ट की यू कैन एक्चुअली जनरेट दोज कैरेक्टर्स अब आप टेबल में जाएँ देखें कि जनाब ये एक मैट्रिक्स जो हम नॉर्मल किताब में लिखते हैं वो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाना कैसे है, जब वो स्क्वायर ब्रैकेट तीन या चार या पाँच लाइनें ऊंचा है सो यू शुड नॉट बी यूजिंग एनी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड बट यू शुड बी यूजिंग द एक्सटेंडेड ग्राफिकल कैरेक्टर्स विच आर अवेलेबल इन योर एस की टेबल यूज़ द ऑल्ट की सो अगर आपने डालना है कहीं पर आप सिंगल कोर्ट्स के अंदर ये कैरेक्टर डालेंगे और सिंगल कोट आपने टाइप कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर ऑल्ट दबाया ग्राफिकल कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू डाली फिर सिंगल कोट डाला वहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी विच इज़ नॉर्मली छोटा एंगल आ जाएगा फिर वर्टिकल लाइन आएगी कीप रेफरिंग टू दैट बट हे योर यंड चैलेंज नाउ यू वॉन्ट टू ड्रॉ देट मेट्रिक्स ऑन द स्क्रीन विच इज़ नॉट ओनली नाइसली फॉर्मेटेड बट ऑल्सो यूज द करेक्ट ग्राफिकल नोटेशन विच इज़ यूज इन मैथमेटिक्स एनी वॉट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट टू लेक्चर्स इज़ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स एंड देन देर मैनिपुलेशन इन सी प्लस प्लस मेजर एडवाटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रीम्स एज अपेयर टू द स्टैंडर्ड सी का इनपुट आउटपुट सिस्टम के कहीं पर हमने ये नहीं हमें बताना पड़ता ना इनपुट स्ट्रीम को ना आउटपुट स्ट्रीम को कि जनाब हम इंटीजर आउटपुट कर रहे हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है या कैरेक्टर स्ट्रिंग आ रही है वो ओवरलोडिंग के थ्रू ये काम हमारे लिए हो जाता है हमारे पास फैसिलिटी ज़रूर है कि वी कैन ऑलवेज ओवरलोड दीज ऑपरेटर्स वी कैन ओवरलोड देम सो दैट दे कैन हैंडल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर ओन क्रिएशन हमने अपनी कोई क्लास के ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट किए हुए हैं उनके साथ भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सी के अंदर जब भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते थे तो उस फंक्शन कॉल को विच वॉज प्रिंट एफ़ या स्कैन एफ उसके अंदर हमें इंडिकेट करना पड़ता था कि जी डेसिबल नंबर पढ़ा जा रहा है क्या पढ़ा जा रहा है कैसे पढ़ना है या कैसे उसको लिखना है सो आई ओ स्ट्रीम जो हैं सी प्लस प्लस की दे आर मच मोर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड बिकॉज दे आर क्लासेज इन ऑब्जेक्ट्स दे आर एक्सटेंडेबल एक्सटेंडेबल बाई अस एज ऑर्डनरी प्रोग्रामर्स यू नीड नॉट बी द कंपाइलर राइटर एज एन ऑर्डनरी प्रोग्रामर यू कैन एक्सटेंड इट यू कैन एड मोर ऑपरेटर्स यू कैन इवन एड मैनिपुलेटर्स यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स भी हम डाल सकते हैं इन्हीं क्लासेस के अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक मैनिपुलेटर दे दें बनाएं अपना अभी आपको नहीं आता कैसे बनाते हैं मे बी वी गेट इन टू इट मे बी वी डोंट इट्स अ लिटल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक बट यू कुड डू अ मैनिपुलेटर विच कुड सेट द विथ सेट द प्रिसजन एंड डू अ राइट जस्टिफिकेशन ऑल इन वन कमांड नन लेस यू नाउ हैव द रूडिमेंट्स ऑफ फॉर्मेटिंग इन योर कमांड उसके साथ होता क्या है कि जी अब आपकी जो आउटपुट आ रही है प्रोग्राम्स के साथ वो ज़रा सी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने लग पड़ेगी इट लुक मोर प्रोफेशनल ये जो फॉर्मेटिंग आपको हमने लास्ट टू लेक्चर्स में कवर की है इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर दैट यू डिवेलप इनफ एक्सपर्टीज़ सो दैट यू डोंट हैव टू ऑलवेज़ लुक एट द रेफरेंस मैनुअल एंड ऑलवेज एट द बुक मेक इट पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी सो यू कैन ईजीली राइट प्रोग्राम विदाउट हैविंग टू रेफर नॉट दैट आई एम सजेस्टिंग कि आप इसको मेमोराइज टोटली totally कर लें बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद रखना कन्वीनियंट रहता है वेन वी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज.